गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं डायरेक्ट किचन से ही अपना व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि आज है रामनवमी। और रामनवमी में तो सभी जो हिंदू हैं उनको पता ही है कि सुबह सुबह माता रानी की पसंद से जो जो चीज़ें उन्हें पसंद है वो चीज़ें बनती हैं। और उनके जो पसंद की जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, काले चने और हलवा। ये दो चीज़ माता रानी को हम चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। तो दिल से मैं बना रही हूँ, और क्योंकि माता रानी की सेवा करने का मौका हमेशा नहीं मिलता। तो और ये मैंने चने उबाल रखे हैं, तो इसमें मैंने बस जीरा और हरी मिर्च डाली है और नमक डालूंगी बस, और धनिया पाउडर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालते क्योंकि ये भोग लगाना है, तो इसमें प्याज वगैरह नहीं डालते, सिर्फ यही डालकर बनाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है ये कि मैं बता नहीं सकती। और इसमें सब कुछ नहीं डालने के बाद भी कहते हैं जो भगवान के लिए आप जो भी भोग बनाते हो, प्रसाद बनाते हो, उसमें पता नहीं माता रानी या भगवान जी के आशीर्वाद से उसका जो स्वाद होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आप कितने भी अच्छे अच्छे खाने बना लो उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं आता। ये मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला पाउडर भी डाला है, तो वो मैं कह रही थी कि वो मतलब ऑटोमेटिकली उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने चने बनाए, और चने तो उबले हुए थे तो इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा फ्राई करना होता है। तो ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, ये नवरात्रि वाले जो काले चने छोले और हलवा उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए ये बन गया, और अब मैंने चने खाली करके उसी कढ़ाई को मैंने वॉश कर लिया, क्योंकि बड़ी कढ़ाई मेरे पास एक ही है। और अब मैं इसमें बनाऊंगी रवा हलवा। तो कढ़ाई पहले गर्म हो जाए, ये धोया है तो पानी है उसमें। और अब मैंने इसमें डाल दिया है घी, डाल दिया है इसमें थोड़ा, आपको लग रहा होगा ज़्यादा लेकिन ये पता भी नहीं चलेगा, सोख लेता है। तो देखिए अभी गर्म हो गया है, तो इसमें मैं रवा डाल दूंगी। हलवा बनाने के लिए एक चीज़ होता है कि आपको नॉन स्टॉप चलाना होता है, अगर आपने एक मिनट के लिए भी छोड़ दिया ना तो नीचे से वो जल जाएगा और फिर आपके हलवे का टेस्ट इतना बेकार हो जाएगा कि पूछो मत, कड़वापन आ जाएगा। तो आप हर काम को करने के बाद ही हलवा बनाना शुरू करो, ये नहीं कि आप हलवा बना रहे हो और बीच में कोई और काम करने की कोशिश करोगे तो आपका हलवा डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि नॉन स्टॉप इसमें हाथ चलाना पड़ता है, वरना बनेगा नहीं सही, वो स्वाद ही नहीं आएगा। और इसमें रवा ज़्यादा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना आप थोड़ा बनाते हो तो फटाक से ये भुन जाता है। सुबह मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी ये सब करने के लिए, क्योंकि घर की साफ सफाई की, और अब मैं ये बना रही हूँ प्रसाद। तो अब ये देखिए अब ये रेड हो गया है, गोल्डन ब्राउन। अगर आप सफ़ेद सफ़ेद छोड़ देते हो तो जो मुझे पसंद है उस हिसाब से मैं बोलूँ, जो सफ़ेद हलवे होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा भुनना ज़रूरी होता है। और ये मैंने शुगर डालकर मैंने पानी में उबाल के रखा था हलवा में डालने के लिए। जितना आप सूजी डालते हो उसके उसका डबल करके आप शुगर डालिए, मतलब अगर आपने एक बाउल सूजी लिया है तो आप दो बाउल ले सकते हैं शुगर, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप कम खाते हो मीठा तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो देखिए अब ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, मतलब अलग अलग सा हो गया है, चिपक नहीं रहा। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें बादाम काजू और किशमिश मैंने डाला है, तो अब ये सब भी मैं मिक्स कर लूँगी। हलवा बन गया है, लेकिन थोड़ा सा और मैं भूनूंगी इसको कि कहीं से भी अगर थोड़ा पानी रह गया हो तो वो सूख जाए। जब तक कि घी अलग अलग ना हो जाए हलवा मतलब जो हलवे से घी निकलने लगे तो समझ जाओ। और अब मैं
पूड़ियाँ तल लूँगी। ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका था तो अब मैं पूड़ियाँ भी तल लूँगी। आप चाहें तो आप सिर्फ हलवा और चने भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना कर ही रहे हो तो फिर पूरी तरीके से कीजिए। तो मैंने पूड़ियाँ भी बना ली हैं, इसमें मैंने अजवाइन डाला है और नमक। अजवाइन ज़रूरी है क्योंकि मेरे हस्बैंड को अगर अजवाइन वगैरह डालकर पूड़ियाँ ना बनाओ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए एक्चुअली मेरे घर में अजवाइन डाल के ही बनता है, चाहे पकौड़े बनते हैं या फिर पूड़ियाँ बनती हैं या पराठे, तो अजवाइन ज़रूर डालते हैं और वो आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी पूरी पूड़ियाँ नहीं बनाऊंगी क्योंकि कुछ जब हम खाएंगे तब बनाएंगे, तो जितनी की ज़रूरत है उतनी मैं अभी बना ले ली। तो बस, तो अब बच्चों को पहले टीका लगा रहे हैं और उसके बाद फिर उनको हम खाना खिलाएंगे। सब बच्चे हाय कर रहे हैं, तो अब बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है। मतलब मैंने कहा था ना, आज का दिन इतना अच्छा रहा, अच्छा लगा कि मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा आज। बच्चे थे भी बहुत ही प्यारे, तो और वैसे तो कहते हैं कोई भी बच्चे हो दुनिया में बहुत ही प्यारे होते हैं। जितिन आज ही नहीं, जब भी नवरात्रि आते हैं तो जितिन खुद मतलब बच्चों की सेवा करते हैं, मतलब बनावाना मैं देती हूँ लेकिन सेवा वो खुद से ही करते हैं, चाहे वो घर पे बच्चों को बुलाना हो या फिर बाहर जाकर। इनको बहुत अच्छा लगता है ये सब, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस मोमेंट को। और बच्चों को पानी देना था, तो ये जो बॉटल्स हैं ये हम बच्चों के लिए लाए थे क्योंकि जितिन ने ये डिसाइड किया कि गर्मी का मौसम है तो उनको क्या देना चाहिए। तो जितिन ने बोला कि क्यों ना पानी का बॉटल दे दे, क्योंकि वो बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर ऐसे भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो ये उनके काम आ जाएगा। तो मुझे लगा कि ये अच्छा आइडिया है, तो उन्होंने बॉटल्स लाए हैं बच्चों के लिए और बच्चे देखकर बहुत खुश हैं, एक दूसरे से कलर चेंज कर रहे हैं कि मुझे पिंक चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए, जो होता है छोटे बच्चों का नेचर, तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही मतलब मस्ती कर रहे हैं। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों को बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए होती है, लेकिन आप अगर दिल से कोई भी चीज़ दो तो वो खुश हो जाते हैं। तो बच्चे खुश होकर जाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, हम भी खुश हो जाएंगे। कुछ बच्चों को हमारे में, और जब बच्चे खाना वाना खा के उठने वाले होते हैं उससे पहले उनके हाथ में कुछ देना होता है, तो पैसे दे रहे हैं। वैसे तो कहते हैं बच्चों को पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें एक ऐसा है ही कि थोड़ा सा देना चाहिए, तो जो आप जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से। तो बस और ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करते हो तभी हम व्रत, हमने नहीं रखी थी, लेकिन हमारे में ऐसा है कि आप व्रत करें या ना करें लेकिन कन्या को पूजना होता है हमारे में, और बहुत लोग करते होंगे बहुत लोग नहीं करते होंगे, जिनकी जैसी श्रद्धा होती होगी। तो अभी बच्चों को हमने मतलब जो कन्या पूजन था वो हमने कर लिया और आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मोस्टली हम पहले क्या करते थे ना कि बच्चों को जा जा कर हम देते थे, तो उसमें मुझे लगा कि वो उससे अच्छा है कि आप बच्चों को घर पे बुलाओ
और घर पे उनकी सेवा करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस बार हमने बच्चों को घर पे बुलाया एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जतिन का मैंने ये वाला रूप पहली बार देखा, मतलब उन्होंने बच्चों के साथ बहुत इंजॉय किया और मतलब बच्चों को उनके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चा जाने ही नहीं चाह रहे थे, वो लोग बस थोड़े देर और खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और आज का दिन कह लो कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा दिन लगा कि मैंने भी बहुत इंजॉय किया। और इस बीच जितनी मैं टेंशन में थी वो टेंशन जैसे रफ चक्कर हो गई और मैं बहुत खुश हो गई। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो जो है मेरा कल जाएगा और कल है बैसाखी, तो जो बैसाखी मनाते हैं उनको बैसाखी की भी बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ एंड आई होप कि आज के ब्लॉग के बाद फिर मेरे अंदर वही वाला जोश आ जाए और मैं डेली ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊं तो प्लीज़ इस ब्लॉग को बहुत सारे लाइक्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा पहला वाला कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, क्योंकि आप लोग नोटिस कर ही रहे हैं क्योंकि मैं डेली ब्लॉग्स नहीं बना रही हूं। और मैं ट्राई करती हूँ कि बनाऊँ लेकिन पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हो रही है और मैं बना नहीं पाती, लेकिन नहीं मुझे बनाना है। तो उसके लिए आप लोग की बहुत साथ की ज़रूरत है। मेरे चैनल को बार बार कहती हूँ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप किसी चीज़ को करते हो तो ऑब्वियस है आप उसका रिटर्न ज़रूर चाहते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, तो बस यही मेरा रिटर्न है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल को बहुत लोग देखें और बहुत लोग लाइक करें। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Every single day.